खाना इनके हाथों जल जाता था तो फिर अपना दिल भी साथ जल जाता था। लेकिन क्या आपको खाते बुरा नहीं लगता था? लेकिन खाने का बंदा खाए बगैर रह भी नहीं सकता, फिर खाना तो खा लेते थे। लेकिन आपको बुरा लगता था खाते वक्त जब आप खाते थे? हाँ बुरा तो फिर बुरा भी लगता था, फिर साथ सर, मैं, अच्छा भी लगना चाहिए। मैं चाहूंगा सवाल का जवाब भाभी भी दें। मेरा ख्याल कभी खाना नहीं जला तो बेचारे खामोश बैठे और उनके खाना आपने जला दिया। ये बात कहकर उन्हें और दिल जला दिया। और एक और बात, ये भी मुझे तकरीर के पॉइंट्स देती है। आपको पता है ना कि जब हम मुश्किल में थे तो बाहर यही निकली थी। और पार्टी के जोर से ताली। तो इसलिए इनकी भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, बड़ा हिस्सा है इनका, और मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। क्या बात है, इसलिए तो नहीं गई, ये बराबर बैठी हुई, बराबर बैठी। कुछ कुछ इसलिए भी है, लेकिन लेकिन सच सच होता है, तो ये सच सारी दुनिया को पता लगना चाहिए कि माशाल्लाह इनका भी बहुत हाथ है इसमें। जो तो वो बात सच हो गई कि हर कामयाब औरत के आदमी के पीछे किसी ना किसी औरत का, माँ हो या बीवी हो या बेटी हो, किसी का हाथ होता है। और नाकाम वालों का भी यही होता है। ये खाना अगर अच्छा ना बनाए तो फिर मज़ा कम हो सकता है। आंटी से भी सवाल है, आंटी अगर आपके अंकल से लड़ाई हो तो पहले सुलह के लिए कौन आता है, आपके अंकल? हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। नहीं, ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि मेरा ऐसा एटीट्यूड होता है कि मैं अगर कोई बात बुरी लगी है तो मैं खामोशी से एक तरफ हो जाती हूँ। सारा कसूर मेरे पे डालता है। जैसे ये भी यही करते हो, जैसे मैं ही मुजरिम। नहीं नहीं, हो सकता है ये भी यही करते हो कि जब कोई बात बुरी लगे तो खामोशी से एक तरफ हो जाए। मेरी नेचर लड़ाई वाली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फिर तो जिंदगी मेरी किसी से भी नहीं कभी लड़ाई हुई। सर आपसे पूछना, ये सही है? कुछ कुछ सही है। आदमी ना वो कोई जो उनको कहना भी होता है पॉजिटिवली तो वो भी जरा डंडी मार जाते हैं। खुल के नहीं कह सकते। लेकिन लेकिन माशाल्लाह बहुत बुर्दबार हैं, तावुन करती हैं, समझती हैं, कभी कभी समझाती है। मैं एक बात बच्चों को बताना चाहूंगा आपकी, मुझे नहीं पता आपको अच्छा लगेगा ये नहीं, मगर मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि नवाज शरीफ अंकल जो हैं अपनी सारी मसरूफियात और इतने बिजी स्केड्यूल के अंदर भी 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं पाबंदी से, और इसके साथ साथ बेशतर वक्त दिन का ये बावजूद रहते हैं। इंशाल्लाह आप भी मेरे साथ गाएं। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। क्या बात है, जबरदस्त सर। एक और राज आपका पता लगा कि माशाल्लाह माशाल्लाह ये इन्होंने कितना अच्छा गाया, क्या जबरदस्त गाया वाकई। भाभी के लिए जोर से तालियां। मैं एक बात बताऊं जी, आज से कई साल पहले मुझे कभी कभी एक गाना सुनाया करती थी। जबरदस्त। कौन सा वाला गाना, नाम तो बताएं। मुख्तलिफ। अब तो वो सिफारिश भी मैं ही किया करता था कि मुझे ये सुनाए वो पुराने गाने, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। भाभी थोड़ा सा हो जाए। नहीं नहीं बस इतना काफी है। फिर इनको वो बात अच्छा आता था, वो मोहे भूल गए सांवरिया। आप में से नमाज कौन पाबंदी से पढ़ता है? सच झूठ नहीं कोई होगा। बहुत अच्छी बात है बच्चे, ये एक मुसलमान के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि उसका अल्लाह से राब्ता कभी ना टूटे, और नमाज जो है वो डायरेक्ट राब्ता है अल्लाह ताला से। तो बेटा बड़े होकर कभी भी, अब बचपन में भी अल्लाह से राब्ता ना टूटने पाए। आप भी आ जाओ, आप पाकिस्तान जिंदाबाद।